फ्रेंड्स कैसे हैं। और आज देखो मैं फिर एक नई डिश लाई हूँ ना आपके लिए। और मेरा चैनल पता है कौन सा है, सेहत एंड खाना। खाना और लाइक करो या डिसलाइक, लेकिन खाना बहुत स्वाद बना है। फ्रेंड्स कैसे हैं। और आज मैं पता क्या बनाने वाली हूँ, ये मखाना है फॉक्स नट, और आज मैं इसका कैरमलाइज करके पॉपकॉर्न्स बनाने वाली हूँ। और ये सर्दियों के दिन में बहुत हेल्दी और टेस्टी और न्यूट्रिटिव होते हैं, और इनको सर्दियों में खाना चाहिए। इसके लिए मैंने थोड़ा सा ही सामान लिया, बिल्कुल बहुत जल्दी बनते हैं। ये देखो दो कटोरी मैंने ये ले लिए फॉक्स नट मखाने, और ये मैंने थोड़े से सीड्स ये ले लिए सनफ्लावर हैं के बीज। फिर मैंने थोड़े से अखरोट ले लिए, 3-4 अखरोट, और मैंने ले लिया ये हमारे बादाम ये ले लिए, और वैसे मूंगफली भी डाल सकते हैं, पीनट्स डाल लो, लेकिन मैं आज इन्हीं से बनाऊंगी क्योंकि मैंने अमेरिका में एक बार खाए थे तो यही चीज़ें डली हुई थी, तो मुझे लगा आज मैं इसी से ही बनाऊंगी। और ये है देखो गुड़, गुड़ कितना लेना है इसमें हमने, ये देखो दो कटोरी है ना, तो मैंने थोड़ा सा कम ही लिया है गुड़, बस इतना बहुत है, इतना काफ़ी है क्योंकि मखाने वैसे इतना शुगरी नहीं करना होता, इतना बहुत है। और ये मैंने वाइट चीनी नहीं ली, इसकी जगह मैंने गुड़ वाली चीनी ली है। और कॉर्नफ्लावर भी थोड़ा सा ले सकते हैं क्योंकि इसको बाइंड करना होता है, मतलब गुड़ को इसके साथ बाइंड करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो मैंने अमेरिका में बनाए थे एक बार, मैंने थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर भी डाला था क्योंकि उसमें जो है थोड़ा सा हम घी भी डाल सकते हैं, हाफ टेबल स्पून घी डाल दो तो उसमें शाइन आ जाती है। ये चीज़ें हैं, हम आधा टेबल स्पून घी भी डालेंगे, बहुत अच्छी शाइन आती है। तो चलो आज बनाने चलते हैं। और जी पहले तो मैंने ना गुड़ तोड़ लिया, इसमें थोड़ा माइन्यूट कर लो जल्दी पिघलेगा। ये देखिए थोड़ा इस तरह हो गया हमारा गुड़। ये जो बादाम और अखरोट है ना, इनको भी माइन्यूटली काट लेना नाइफ से। ये देखो इनको भी ना रोस्ट कर लेना कढ़ाई में। अब मैंने इसमें तीनों अखरोट, ये देखिए अखरोट बादाम और मगज ट्रांसफर कर दिए, थोड़ा थोड़ा दर दरा कर लेते हैं इसमें। ये देखो इस फॉर्म में चाहिए हमें, ये इस फॉर्म में हो गए खड़े खड़े और एकदम टूटे हुए, बिल्कुल पाउडर्ड नहीं है। ये मखाने फॉक्स नट्स डाल दिए, और अगर थोड़ा साइड में काला काला लगा ना उतार लेना, इनमें कई बार होता है, लेकिन साफ है मेरे, मैंने डब्बे वाले मंगवाए थे, साफ है ये। इसको हिला लेना थोड़ा सा, इनको सिम पे रखना है और बिल्कुल बहुत ध्यान देना है इस जगह इस स्टेज पे है इनको, और हिलाते जाना। हिलाने से क्या होता है थोड़े थोड़े गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे और जलेंगे नहीं आपके, ये हिलाना बहुत जरूरी होता है मखानों को। और ये फीके वाले लेने हैं आपने, इनमें मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए बिल्कुल। देखते हैं ये देखो तोड़ के देखा है, ये देखो बस अब हमारे ये रोस्ट हो गए हैं। मैं बाउल में ट्रांसफर करने लगी हूँ और नेक्स्ट स्टेप पे हम एंटर करने लगे हैं। गैस बंद कर दो। ये देखो ये हो गए हमारे ट्रांसफर बाउल में, और अब हम नेक्स्ट गुड़ को पिघलाते हैं। ये मैं गुड़ डालने लगी हूँ, ये देखो वही 3/4 लिया है मैंने। ये ऑन कर दी गैस, और अब 1 चम्मच पानी डाल देना इसमें, ओनली 1 स्पून, ज्यादा नहीं डालना ताकि नीचे ना लगे ये, बस ताकि हमारा गुड़ पिघल जाए और नीचे ना लगे। अब इसको हिलाते जाना, इसको पिघलने दो थोड़ा सा। देखो मेरा ये पिघल गया गुड़, और अब मैं ये 1.5 चम्मच मैंने ये वाली चीनी ली है, गुड़ वाली चीनी, वाइट नहीं ली, कोशिश करो ये यूज करो। और मैंने ये लिया है 1 छोटा चम्मच घी, और इस स्टेज पे मैं, और इतनी देर ना हम जो बाउल में निकालना है उसको ग्रीस करके रख लेंगे। ये देखो मैंने इस बाउल में निकालने हैं, तो इसको हम ग्रीस करके रख लेते हैं पूरा ऑयल लगा के। ये देखो ग्रीस हो गया, अब गुड़ को काला नहीं होने देना, ध्यान रखना इसका। इस स्टेज में मैं अभी इसको टेस्ट करूंगी
इसलिए मैं कटोरी में थोड़ा सा पानी ले रही हूँ और इसमें जो गुड़ हमारा पक रहा है ना उसको टेस्ट करेंगे। ये पानी ले लिया थोड़ा सा टेस्ट, ये हमारी टेस्टिंग होती है गुड़ में। अब इसकी महक आ रही है गुड़ की। अगर तो ये पिघल गया बीच में इसका मतलब ये तैयार नहीं हुआ, अगर इसका वो बन गया, ये देखो एक ड्रॉप डालो और इसको देखो, ये देखो ये हो गया है ना, ये बन गया देखो। अगर ये नहीं बनता ये बिल्कुल अलग हुआ पड़ा देखो उंगली से। तो ये अब हमारा गुड़ रेडी है। इस स्टेज पे मैं ना थोड़ा सा ये डाल रही हूँ, कॉर्नफ्लावर डाल रही हूँ थोड़ा सा, और एक पिंच मैं वो डालूंगी, ये देखो हाफ टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लावर डाला है, ये बहुत अच्छा देगा बाइंडिंग। और इसको हिलाओ और मैं एक पिंच डालूंगी मीठा सोडा, बेकिंग सोडा, ये देखो वन पिंच दिस मच, ये हो गया। और अब हम क्या करेंगे, अब इस स्टेज पे गैस बंद करो और अपने मखाने डालो इसमें और अपने नट्स भी रेडी रखो। हमारे नट्स कहाँ हैं, हमने इसमें थे ना, ये देखो इसमें डालो जितने भी डालने अपने, ये मैंने डाल दिए नट्स, ये देखो, और इसको हिलाते जाओ। ये कैरमलाइज्ड हमारे फॉक्स नट्स हो गए कैरमलाइज्ड, मखानों के पॉपकॉर्न है ये देखो। और थोड़ी देर ठंडा होने तक वेट करते हैं। ये डाल दिया हमने, देखो गुड़ इसके साथ हो गया, सबके साथ लग गया। और अब क्या करोगे आप, ये देखो इसमें लेके जो हमारा ये प्लेट था ना, इसमें ये ट्रांसफर करो, इसमें डाल के सबको इसमें डालो। और इनको अलग अलग करो, मैं आपको ठंडे होने तक दिखाती हूँ, 2 मिनट लगेंगे ठंडे होने में। आप इसमें अपने मनपसंद तिल भी डाल सकते हैं, व्हाइट तिल डाल लो, मूंगफली डाल लो और नट्स जो मर्जी डाल लो। थोड़ा सा घी भी और डाल सकते हो, इस वक्त भी डाल सकते हो अभी, ये देखो देखो आधा चम्मच मैं घी डाल रही हूँ अभी और शाइन लाने के लिए। आप गुड़ थोड़ा ज्यादा भी ले सकते हो, थोड़ा कम भी ले सकते हो, अकॉर्डिंग टू योर ओन टेस्ट। ये देखो ये देखो ये देखो इनकी अब आवाज सुनो, और मैं आपको खा के भी दिखाती हूँ, ये देखो खा के दिखा रही हूँ। काश आप वीडियो से बाहर आते और खा लेते, क्योंकि ये इतने हेल्दी बने हैं ना, सीनियर सिटीजन्स के लिए, बच्चों के लिए और वर्किंग पेरेंट्स के लिए बिल्कुल, और बहुत अच्छी शुगर है, ज़्यादा तेज भी करने की जरूरत नहीं है, वेरी वेरी यमी। और यू कैन ऑल्सो इन्जॉय दम, दे आर वेरी वेरी टेस्टी, आई कैन नॉट टेल यू। आप वीडियो से बाहर आइए और देखिए कितने स्वाद बने हैं, ये देखो एकदम कुरकुरे हुए पड़े हैं, ये देखो आवाज आ रही है, देखो वेरी टेस्टी, दे आर रियली वेरी टेस्टी, समथिंग न्यू। और गुड़ और भी डाल सकते हैं, मैंने लिमिटेड डाला है बिल्कुल, ताकि सीनियर सिटीजन भी खाएं इसको, किसी को प्रॉब्लम ना हो, और बहुत टेस्टी है। और आप जरूर 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 ट्राई करो मेरे कहने पे, और मेरा चैनल भी लाइक करो, डिसलाइक करो जरूर करो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स। और बाउल में सर्व करते हैं, ये मेरा बाउल है, अब ठंडे ठंडे भी हो चुके हैं, ये देखो कितने बढ़िया लग रहे हैं ना, ये देखो है ना, इट्स रियली मेकिंग फन, रियल फन। द प्लेट इज रेडी फॉर यू एंड हैव इट, एंजॉय इट। आधे सीनियर सिटीजन्स को देते हैं, आधे आप रखेंगे, है ना, ये देखो हो गया ना ये। चलो
थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।